हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल दीक्षित एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल ई ज्ञानी स्कूल। आज हम बात करेंगे 10th केमिस्ट्री के बारे में। वो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो इसमें हमें दो चीज़ें डिस्कस करनी है, एक तो मेटल क्या है और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर नॉन मेटल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ठीक है, और उनके मेटल और नॉन मेटल के यूज़ क्या हैं। इस चैप्टर में हमें ये चीज़ें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे मेटल के बारे में कि मेटल की क्या क्या डेफिनेशन है, किस तरीके से आप उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है मेटल की कि किन एलिमेंट को आप मेटल कहेंगे। इसके अलावा एक न्यू डेफिनेशन भी आपको यहाँ पर सीखनी है। तो प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि उन एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैलेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं मेटल। इसके अलावा उनके पास सोनोरस प्रॉपर्टी या लस्टर प्रॉपर्टी या ड्यूक्टाइल नेचर प्रेजेंट होता है, मतलब आप उन्हें थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। अगर किसी एलिमेंट के पास ये सारी प्रॉपर्टी हैं तो आप उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, मेटल। इसके अलावा अगर आप दूसरी डेफिनेशन की बात करें यहाँ, तो दूसरी डेफिनेशन ये है कि उन एलिमेंट्स को आप मेटल कहेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल। दोनों ही डेफिनेशन की के बारे में हमें यहाँ बात करनी है। तो देखते हैं किस तरीके से आप लिखेंगे। तो अगर आप मेटल को एक्सप्लेन करें तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर कि दोज एलिमेंट विच हैव मैलिएबल विच हैव मैलिएबल लस्टर्स सोनोरस और ड्यूक्टाइल प्रॉपर्टी। जिन एलिमेंट्स के पास ये प्रॉपर्टी होगी उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे आप, मेटल, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ड्यूक्टाइल प्रॉपर्टी आर नोन एज मेटल, ठीक। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें दूसरी डेफिनेशन की, तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल या लास्ट सेल बोल सकते हैं आप, तो उन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे आप, मेटल। तो दूसरी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि दोज एलिमेंट विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। वो एलिमेंट जो अपने आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं आर, उन्हें क्या बोल सकते हैं आप, मेटल, आर नोन एज मेटल। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है तो उन एलिमेंट्स को आप नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पर आप कि मेटल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्यों है। सपोज अगर आपके पास कोई मेटल है सोडियम, एटॉमिक नंबर इसका 11 है, अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 281, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी, 1। तो ये करता क्या है, अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है डोनेट करने के बाद, सोडियम पर कैसा चार्ज आता है, प्लस। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और डोनेट करने पर चार्ज कैसा आया इसके ऊपर, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि आप मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनके ऊपर चार्ज कैसे जनरेट होता है, पॉजिटिव, ठीक है। ये तो बात थी मेटल की डेफिनेशन की। अब बात करेंगे कि मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। दोनों टाइप की प्रॉपर्टी यहाँ डिस्कस करनी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्या किस तरीके की होंगी इसकी। बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द मेटल एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट में एक्सेप्ट मरकरी। अगर आप मरकरी मेटल को छोड़ें, इसके अलावा जितनी भी मेटल हैं सभी कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी। और जो मरकरी मेटल है उसका सिंबल होता है Hg। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी की अगर आप बात करें तो मेटल के की हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी हाई होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जो मेटल के पार्टिकल्स मेटल सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, जो सॉलिड पार्टिकल हैं उनके बीच में गैप बहुत कम होता है। और गैप जितना कम होगा स्ट्रक्चर उतनी ही क्लोज पैक्ड होगी, और स्ट्रक्चर जितनी क्लोज पैकिंग की होगी डेंसिटी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा। क्योंकि डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम जितना कम होगा, स्पेस जितना कम ऑक्यूपाई करेंगे मॉलिक्यूल, उनकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि दीज हैव हाई डेंसिटी, जो मेटल हैं डेंसिटी क्या होगी, हाई, बिकॉज दे आर एग्जिस्ट इन या बिकॉज दे हैव क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इसके अलावा अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो डेफिनेशन में भी हमने पढ़ी थी कि जो मेटल हैं उनके पास मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है। मैलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप मेटल को एक थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की फॉइल भी आप अपने घर में यूज करते हैं फूड पैकिंग के लिए, तो क्या है, एल्युमिनियम मेटल की बहुत थिन शीट बना रखी है विदाउट ब्रेकिंग। तो यदि आप मेटल को विदाउट ब्रेकिंग, किसी भी एलिमेंट को विदाउट ब्रेकिंग उसको थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज मैलिएबल प्रॉपर्टी। तो मेटल के पास ये प्रॉपर्टी होती है, तो लिख सकते हैं हम कि दे हैव मैलिएबल प्रॉपर्टी। इट मीन्स दे कैन बी चेंज इंटू थिन शीट। ठीक है, थिन शीट में आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जो मेटल हैं उनके पास लस्टर प्रॉपर्टीज होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेटल कि जो अपीयरेंस है वो शाइनी अपीयरेंस है, चमक होती है मेटल के अंदर। इस प्रॉपर्टी को लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं मेटल की। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, ऊपर लिख लेंगे। तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी कि मेटल के पास लस्टर प्रॉपर्टी होती है। तो क्या लिख सकते हैं आप, दे हैव लस्टर्स प्रॉपर्टी। इट मीन्स दे हैव शाइनी अपीयरेंस
किस टाइप की अपीयरेंस इनके पास, शाइनिंग नेचर के होते हैं, चमक होती है इनके पास, इसी प्रॉपर्टी को हम लस्टर प्रॉपर्टी बोलते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ये है हमारी कि जो मेटल हैं उनमें ड्यूक्टाइल नेचर प्रजेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मेटल को चेंज कर सकते हैं इंटू थिन वायर, वायर बना सकते हैं मेटल की, ठीक है। यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? ड्यूक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। किसकी? मेटल की। तो वही लिखनी है हमें नेक्स्ट, मेटल्स सो ड्यूक्टाइल नेचर इट मीन्स दे कैन बी ड्रोन इंटू थिन वायर्स। किसमें चेंज कर सकते हैं उन्हें? थिन वायर में चेंज कर सकते हैं। यही प्रॉपर्टी ड्यूक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाती है। इसके अलावा अगर हम लास्ट प्रॉपर्टी की बात करें, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो वो ये है कि जो मेटल है हमारी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर, तो जो टंगस्टन मेटल है, टंगस्टन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है नियरली 3410 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो लास्ट पॉइंट यही है आपका कि मेटल जो मेटल है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सिक्स प्रॉपर्टी ये लिख सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिख सकते हैं आप टंगस्टन मेटल, डब्लू सिंबल होता है, स्मॉल डब्लू, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और मेल्टिंग पॉइंट नियरली होता है वो 3410 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी? मेटल की, ठीक है। इसके बाद हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी की डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी इसकी इंपॉर्टेंट है और इनके पास कौन कौन से केमिकल बिहेवियर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बात करेंगे हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात, जो मेटल है एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है पहले वो सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसे समझने से पहले कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, तो कुछ एक टॉपिक सीखना पड़ेगा हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, वहाँ से चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो यदि देखिए, दो टाइप के एलिमेंट हो सकते हैं आपके, एक वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, एक वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। कौन कौन से? एक एलिमेंट वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, एक एलिमेंट वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नॉर्मल सी बात है, उसके ऊपर चार्ज कैसा आना है? पॉजिटिव। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उस पर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। तो दो फिनोमिना यहाँ बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेशन। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो फिनोमिना हमारा रिडक्शन कहलाता है। तो वहीं से चीज़ें पता चलती हैं कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर कोई एलिमेंट है, E4 एलिमेंट है यहाँ, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसका मतलब उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन, उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। और जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है उसका हुआ है रिडक्शन, उसका क्या हुआ है? रिडक्शन, ठीक है। तो जिसका, अब यहां पर उल्टा है, एजेंट की अगर हम बात करें तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या होगा? रिड्यूसिंग, वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
वो क्या होगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मेटल की अगर हम बात करें तो मेटल इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैटेगरी में आते हैं मेटल। तो नॉर्मल सी बात है, अगर मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उनका ऑक्सीडेशन होगा और वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये कहा जाता है कि जो मेटल है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। गुड क्यों? क्योंकि मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि उनका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा। अगर ऑक्सीडेशन अच्छा हुआ है तो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, इसके अलावा तो ये लिख सकते हैं पहली प्रॉपर्टी में जो चीज़ें यहाँ पर थी, तो क्या लिख सकते हैं आप, पहली केमिकल प्रॉपर्टी यही है कि मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब आपने समझ लिया है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कैसा एजेंट होगा रिड्यूसिंग, जिसका रिडक्शन हुआ है वो कैसा एजेंट होगा आपका ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, सपोज आपके पास एक Na है, एक आपके पास Cl है। ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8-1 होता है, अगर आप कैल्शियम की बात करें तो क्लोरीन की तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-8-7 है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसे, Cl को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उस पर चार्ज कैसा आता है, नेगेटिव। तो होगा क्या यहाँ पर, Na पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा आफ्टर डोनेशन, क्योंकि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है, और Cl पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम क्लोराइड का। क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हुआ क्या है यहाँ पर, देखिए जब कोई भी एलिमेंट अकेला होता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अकेला है, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा होगा, जीरो। तो अगर हम यहाँ सोडियम की बात करें तो चार्ज कितना है, जीरो। क्लोरीन के ऊपर भी कितना है, जीरो। लेकिन Na जीरो से किस स्टेट में चला गया है, प्लस वन में। ऐसे ही Cl जीरो से किस में चला गया है, Cl माइनस में, मतलब माइनस वन चार्ज में। तो जीरो से प्लस वन होना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और जीरो से माइनस वन होना मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ से दो डेफिनेशन बताई थी आपको अभी, कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका रिडक्शन होगा। तो क्या होगा यहाँ पर, Na जीरो से प्लस वन में गया है तो Na का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। Na का होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर जो Cl है उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर आप इस रिएक्शन में बात करें कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कैसे पता करेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर आप इसकी बात करें Na की, तो Na क्या होगा यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपका। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें Cl की, तो Cl क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी केमिकल प्रॉपर्टी। इसके अलावा जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो ये है, यदि आप किसी भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मेटल ऑक्साइड से, वो ये है कि जो बनने वाला मेटल ऑक्साइड है, कब बना मेटल ऑक्साइड, जब मेटल ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी, ठीक है, तो वहाँ मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अब जो मेटल ऑक्साइड बना है वो मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है, या वो एसिडिक ऑक्साइड है, या वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो मेटल के जो मेटल हैं वो दो ही टाइप के ऑक्साइड का ज़्यादा फॉर्मेशन करते हैं, मोस्टली तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि कौन ऑक्साइड बेसिक है, कौन ऑक्साइड हमारा एम्फोटेरिक है, क्योंकि एसिडिक की तो बात हमें यहाँ नहीं करनी, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल के होते हैं। हमें मेटल पढ़ रहे हैं तो मेटल के दो ही टाइप के ऑक्साइड हो सकते हैं, एक बेसिक और एम्फोटेरिक। तो उन दोनों की ही डिस्कस करना है कि बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, ठीक है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सेकंड, वो है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। मेटल की किसके साथ रिएक्शन करानी है आपको, ऑक्सीजन के, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। होगा क्या यहाँ, देखिए जब मेटल और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे,
तो यहाँ पर फॉर्म्ड होगा मेटल ऑक्साइड। और जब ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, जो बना हुआ मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक करेक्टर का होगा या एम्फोटेरिक करेक्टर का होगा, ये जानना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो बना हुआ मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक है या वो एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, ये हमें पता करना है। और दो ही टाइप के ऑक्साइड हम यहाँ डिस्कस करने हैं कि बेसिक ऑक्साइड क्या होंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करनी है। ठीक है, देखते हैं। कोई भी मेटल, कोई ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पर। अगर आप सोडियम मेटल लें, ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, आप पोटेशियम लें O2 के साथ रिएक्शन कराएं, आप कैल्शियम लें O2 के साथ रिएक्शन कराएं, है ना, आप मैग्नीशियम लें आप O2 के साथ रिएक्शन कराएं, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। बनने वाला मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा, एम्फोटेरिक होगा, वो बाद में पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, बनेगा Na2O, यहाँ क्या बनेगा आपका K2O, यहाँ बनेगा आपका CaO और यहाँ बनेगा आपका MgO। रिएक्शन को बैलेंस कर ले, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, है ना, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस किया जाता है, थर्ड स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और फोर्थ स्टेप में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, मेटल कितने हैं इधर, टू, इधर कितने हैं, वन, तो यहाँ क्या जाएगा, टू। इधर पोटेशियम कितने हैं, टू, इधर कितने हैं, वन, तो यहाँ कितना जाएगा, टू। एक मिनट, ऑक्सीजन टू है इधर, इधर कितने हैं, वन। दोबारा से बैलेंस करते हैं, देखें यहाँ आपके सोडियम वन है, इधर कितने सोडियम है, टू, तो टू बैलेंस लगाओगे पहले आप। इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितने हैं, टू, यहाँ कितने हैं, वन, तो यहाँ क्या लगा देंगे आप, टू। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से जो सोडियम है वो अनबैलेंस हो गया है, कितने हो गए, फोर, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप, फिर से फोर। ऐसे ही ये बैलेंस होगी, यहाँ पर भी फोर आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर टू आएगा बैलेंस करने के लिए और यहाँ पर भी टू आएगा। ठीक है, बैलेंसिंग का जो मेथड है वो सिखाया हुआ है। ठीक, इसके अलावा तो ये तो बात हुई कि मेटल और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब वो बनने वाला जो मेटल ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, उसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड की, कि कौन से बेसिक ऑक्साइड होंगे, कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड होंगे। तो बात करेंगे हम पहले बेसिक ऑक्साइड की। बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है, मेटल के वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्शन कर ले। अगर कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कैसा ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड are known as basic oxide, are known as basic oxide। वैसे अगर हमारे पास MgO है ना, हमारे पास CuO है, अगर हम इनकी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि MgO, CuO, CaO, Na2O मोस्टली मोस्ट ऑफ द मेटल बेसिक ऑक्साइड होंगे। कुछ मेटल ऐसे हैं जिनके ऑक्साइड एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की सीरीज में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे पहले, अगर हम MgO की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएं और इसकी हम रिएक्शन कराएं HCl के साथ, दोनों ही एसिड हैं, ये ऑक्साइड है, तो क्या होगा जब ये रिएक्शन करते हैं इसके साथ, तो बनता है MgSO4 और साथ में H2O। यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो बनेगा CuCl2 और H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, MgO ने एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया, CuO ने भी HCl एसिड के साथ रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, बेसिक ऑक्साइड के हैं। इसके अलावा हम यहाँ बात करेंगे जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं वो कौन से हैं और किस मेटल के ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। तो नेक्स्ट जो है आपका टाइप वो है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नेक्स्ट है हमारा एम्फोटेरिक
एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होंगे, वो ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लें और बेस के साथ भी रिएक्ट कर लें, उन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो देखते हैं क्या लिख सकते हैं आप इसमें, कि दोज ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड जैसे जिंक और एल्यूमिनियम मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। एग्जांपल है जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमारे पास Al2O3, हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ भी कराएंगे और Al2O3 इसकी रिएक्शन हम NaOH बेस के साथ भी कराएंगे, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है। और अगर कोई ऑक्साइड, कोई मेटल ऑक्साइड एसिड बेस के साथ भी रिएक्शन करे और एसिड के साथ भी रिएक्शन करे तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा हमारा AlCl3 और साथ में वाटर मोलिक्यूल एलिमिनेट होगा। यहाँ पर बनेगा हमारा सोडियम मेटा एलुमिनेट NaAlO2 सोडियम एलुमिनेट और वाटर मोलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा। अगर आप इसे बैलेंस करें रिएक्शन को कि किस तरीके से बैलेंस होगी ये, तो होगा क्या यहाँ पर, यहाँ 2 लगाएंगे आप क्योंकि सोडियम एल्यूमिनियम कितने हैं, इधर 1 था और इधर कितने हैं 2, तो यहाँ 2 लगा दिया तो यहाँ पे भी क्या जाएगा 2। इसके अलावा अगर और सारी चीज़ें देखें आप तो बैलेंस है, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 2 5, 2 जा 4 और 1 5 और हाइड्रोजन कितने हैं 2। तो इस एल्युमिनियम के ऑक्साइड ने एसिड के साथ भी रिएक्शन करी, यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा, और इस एल्युमिनियम ऑक्साइड ने बेस के साथ भी रिएक्शन करी। इसका मतलब कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है क्योंकि उसने एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्शन की है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड की, कि जिंक ऑक्साइड किस तरीके से रिएक्शन करेगा एसिड और बेस के साथ, तो अगर आप ZnO जिंक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, आप जिंक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन कराएं, तो यहाँ पर बनेगा आपका ZnCl2 और H2O और यहाँ पर बनेगा हमारा Na2 ZnO2 और प्लस के H2O। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर देखें, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 आएगा, तो दोनों ही रिएक्शन बैलेंस है। तो ध्यान रखना आपकी ZnO और जिंक के ऑक्साइड और जो आपके एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड की सीरीज में आते हैं क्योंकि वो दोनों ही एसिड और बेस दोनों के साथ ही रिएक्शन कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो मेटल ऑक्साइड है हमारे, टाइप हमने पढ़ लिए हैं, दो ही टाइप के होते हैं, एक बेसिक ऑक्साइड और दूसरा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या हैं, तो प्रॉपर्टीज़ ये हैं इनकी, अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं वाटर के अंदर मेटल ऑक्साइड की, तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड वाटर के अंदर इनसोल्यूबल हैं, एक्सेप्ट किसके ऑक्साइड छोड़कर, सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम के ऑक्साइड वाटर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल ऑक्साइड की। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड की एक ही प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करनी है, सोल्युबिलिटी इन वाटर। प्रॉपर्टी है हमारी सोल्युबिलिटी इन वाटर। अगर आप वाटर में सोल्युबिलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट
एक्सेप्ट ऑक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के जो ऑक्साइड हैं वो क्या हैं, वो जो आपका वाटर है उसमें क्या है, सोल्यूबल है। देखते हैं, Na2O सोडियम का ऑक्साइड है, K2O पोटेशियम का ऑक्साइड है और CaO कैल्शियम का ऑक्साइड है। अगर हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करें तो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं और डिजोल्व होने के बाद मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा आप H2O में अगर आप डिजोल्व करें, ऐसे ही आपने K2O को भी H2O में डिजोल्व करना है, ऐसे ही आपको CaO को भी किस में डिजोल्व करना है, वाटर के अंदर। तो क्या बनेगा यहाँ पर, 2NaOH, यहाँ पर बनेगा आपका 2KOH और यहाँ बनेगा आपका CaOH की होल ट्वाइस। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान रखना कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के जो मेटल ऑक्साइड हैं वही वाटर में सोल्यूबल हैं। इसके अलावा जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड हैं वो वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। अगर आप फर्स्ट से थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पर मेटल की, तो देखेंगे कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेंगे और कौन सी गैस रिलीज होगी। तो होता क्या है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, इसके अलावा यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। लेकिन सभी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे अगर आप एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन मेटल की बात करें तो ना तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही वो हॉट वाटर के साथ, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और स्टीम के साथ रिएक्ट करने पर वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन ना करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें पढ़नी है। तो बात करते हैं हम रिएक्शन विद वाटर के साथ थर्ड प्रॉपर्टी में, रिएक्शन विद वाटर। तो क्या होगा, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड का यहाँ फॉर्मेशन होगा। व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन मेटल हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ठीक है। तो होगा, देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, ठीक है। तो बात देखते हैं यहाँ पर, मेटल कोई भी ले लें आप, जैसे Na है आपके पास और H2O है। एक तो मेटल क्या आपके पास Na, वाटर के साथ क्या लिया आपने H2O, तो यहाँ पर हमने मेटल लिए सोडियम और वाटर के साथ जब हम यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा आपका मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी, ठीक। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, इसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन और फोर्थ स्टेप में हम बैलेंस करते हैं किसे, हाइड्रोजन को। तो बैलेंस करने के लिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, आपने सीखी हुई है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 2H2O। तो क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस है, सोडियम 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 ही है, हाइड्रोजन कितना है 4 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना है 4। तो जब मेटल H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, H2, कोई भी मेटल ले लें आप, जैसे पोटेशियम ले आप, सेम रिएक्शन होगी, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के साथ क्या बनेगा, 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। लेकिन कुछ मेटल हमारे पास ऐसी हैं जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और इसके अलावा जिंक मेटल हैं जो हमारी ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करते ना ही वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन करेंगे केवल स्टीम के साथ, और स्टीम के साथ रिएक्शन करके ना तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, जबकि किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो मेटल ऑक्साइड का।
जैसे यहाँ पर क्या है कि मेटल ने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो किसका फॉर्मेशन हुआ है, मेटल हाइड्रोक्साइड का। लेकिन जो आपकी जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन मेटल है वो मेटल हाइड्रोक्साइड का, पहली बात तो वो कोल्ड और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करके वो केवल मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन ही रिलीज होनी है वहाँ भी। तो बात करते हैं हम किस किस मेटल की, जिंक, एल्यूमिनियम और आयरन। तीन मेटल हमारे पास ऐसी हैं, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन। ये तीनों जो मेटल हैं वो ना तो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते ना ही कोल्ड वाटर के साथ, वो रिएक्शन करेंगे केवल स्टीम के साथ। तो यहाँ पर H2O स्टीम फॉर्म में है, क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जगह एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में H2 गैस रिलीज होगी। ऐसे ही यहाँ होगा, H2O के साथ रिएक्शन होगी और बनेगा आपका ZnO और प्लस के H2। इसके अलावा Fe की रिएक्शन होगी H2O के साथ और यहाँ पर बनेगा आपका Fe2O3 और प्लस के साथ में यहाँ पर गैस निकलेगी H2। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आप 3 लगा सकते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस है। और यहाँ पर भी क्या आएगा 3, यहाँ 2 और यहाँ पर भी क्या आएगा आपका 2। तो ध्यान रखना कि तीन मेटल हमारी ऐसी है ना जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती ना ही हॉट वाटर के साथ, वो रिएक्शन करेंगी केवल स्टीम की फॉर्म में, क्योंकि स्टीम भी H2O की ही फॉर्म है। ओके, ये हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी। इसके बाद अगर हम यहाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। इसे सीखने से पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होती है, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे हैं ठीक है वो ऐसा नहीं कर पाती। ठीक है, तो बात करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस किस टाइप की केमिकल रिएक्शन वहाँ होंगी और किस टाइप की वो शो करेंगे। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी ये। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो कुछ सारी मेटल डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर पाती, केवल वही मेटल हाइड्रोजन से गैस रिलीज करेंगी जो मेटल हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होंगी, ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोज मेटल विच आर प्रेजेंट अबव हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड ठीक है। एग्जांपल लें, अगर हम हाइड्रोजन से ऊपर मेटल थी आपकी पोटेशियम, सोडियम है ना, कैल्शियम और जिंक, आयरन, ये सभी मेटल क्या करती हैं, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन गैस को क्या करती हैं, रिलीज। जैसे अगर आप जिंक मेटल की HCl के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ZnCl2 और प्लस के H2 गैस यहाँ से बाहर होगी। इसके अलावा आपको ये और भी ऐसी मेटल ले सकते हैं जो क्या हो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हो। जैसे हम यहाँ पर कैल्शियम लें अगर, तो क्या होगा, HCl के साथ किसी भी एसिड के H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दें इस बार, तो यहाँ पर बनेगा आपका CaSO4 और साथ में रिलीज होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वो ऐसा कर सकती हैं। इसके अलावा जो मेटल हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं वो ऐसा नहीं कर पाती। इसके अलावा
गोल्ड और प्लेटिनम जो है हमारी, प्लेटिनम और गोल्ड नोबल गैसेज जिन्हें हम बोलते हैं, वो मेटल क्या है कि वो मेटल ना किसी भी स्ट्रोंग एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो उनकी रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक मिक्सर यहाँ फॉर्म करना पड़ता है हमें स्ट्रोंग एसिड्स का, HCl और HNO3 के थ्रू, के मिक्सर के थ्रू हम एक मिक्सर का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर, जिसे एक्वा रिजिया बोलते हैं हम, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि एक्वा रिजिया का फॉर्मेशन कैसे करेंगे और एक्वा रिजिया करता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि नोबल एलिमेंट लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद इवन स्ट्रोंग एसिड, बट दीज मेटल कैन बी डिजोल्व इन टू एक्वा रिजिया। आप एक्वा रिजिया में डिजोल्व कर सकते हैं, इवन ये स्ट्रोंग एसिड में डिजोल्व नहीं होते। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, बट दे कैन बी डिजोल्व इन एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया जो है मिक्सर है एसिड्स का, दो एसिड इसमें मिक्स करते हैं हम, एक HCl और एक HNO3। रेशो क्या है, 3 वॉल्यूम यहाँ HCl के होंगे और एक वॉल्यूम किसका होगा, HNO3 का। तो 3:1 के रेशो में अगर HCl और HNO3 प्रेजेंट हैं तो इस मिक्सर को क्या बोलते हैं, एक्वा रिजिया। और यूज किया जाता है उन मेटल को डिजोल्व करने के लिए जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, लाइक प्लेटिनम और गोल्ड, ठीक। तो एक्वा रिजिया की अगर हम बात करें तो एक्वा रिजिया क्या है, 3 वॉल्यूम HCl और एक वॉल्यूम HNO3 को क्या बोलते हैं हम, एक्वा रिजिया। तो ध्यान रखना, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है 1 मार्क्स में कि एक्वा रिजिया किसका मिक्सर है, तो 3 वॉल्यूम HCl के एक वॉल्यूम HNO3 का, वो एक्वा रिजिया होता है। इसके अलावा वो रेशो में भी पूछ सकता है कि कितने रेशो में एसिड्स प्रजेंट होते हैं, तो 3:1 का रेशो यहाँ एसिड के बीच में होता है। तो ये इसकी, इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं, इसके अलावा जब मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ होगी तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद हैलोजन, हैलोजन है क्या पहले वो बात करेंगे, और मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके किन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास रिएक्शन विद हैलोजन, देखिए हैलोजन का जो मतलब है वो ये है कि जो सी वाटर के अंदर एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, दैट एलिमेंट आर नोन एज हैलोजन, ठीक है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस टाइप के जो एलिमेंट हैं वो सभी हैलोजन हैं। और जब मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो मेटल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और मेटल हैलाइड एक आयनिक कंपाउंड है। पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर कि आयनिक बॉन्ड क्या है और आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आगे पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद हैलोजन, देन इट फॉर्म मेटल हैलाइड और मेटल हैलाइड कैसे कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है ये। वैसे आप कोई भी मेटल लें, सोडियम लें, कैल्शियम लें, मैग्नीशियम लें, और आप उसकी हैलोजन के साथ क्या करा दें, रिएक्शन, है ना। आप हमारे पास क्या है, मेटल है और हैलोजन है, और जब आप दोनों की रिएक्शन कराओगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, मेटल हैलोजन का। जैसे मेटल हम ले सकते हैं यहाँ सोडियम, और यहाँ पर लिया हमने हैलोजन की जगह Cl2, तो क्या वो बनेगा आपका NaCl। बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम की रिएक्शन Br2 के साथ कराएं, ये भी हैलोजन है, तो क्या बनेगा यहाँ पर MgBr2। तो मेटल हैलोजन रिएक्शन करेंगे तो मेटल हैलाइड बनेंगे, और मेटल हैलाइड कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है,
ठीक है। अब हम बात करेंगे मेटल की लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कि मेटल की जब क्या मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, अगर रिएक्ट करते हैं तो किस टाइप की कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और कौन कौन से मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन है, वैसे तो मेटल सभी मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती, कुछ ही मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, जैसे एल्कली मेटल। एल्कली मेटल कौन सी हैं? जो फर्स्ट ग्रुप की मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबेबियम, सीजियम, है ना, लिथियम और फ्रेंजियम। ये कुछ मेटल हमारे पास हैं, ये जो मेटल हैं ये एल्कली मेटल हैं, और केवल एल्कली मेटल ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हैं, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करती हैं? मेटल हाइड्राइड का। जो मेटल हाइड्राइड भी क्या है, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट, जनरली मेटल डू नॉट रिएक्ट, डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, बट देर आर फ्यू मेटल, बट देर आर फ्यू मेटल विच कैन रिएक्ट, विच कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म्ड मेटल हाइड्राइड, एंड फॉर्म्ड मेटल हाइड्राइड। जैसे एल्कली मेटल लिथियम ले, सोडियम ले, पोटेशियम ले, कोई से भी मेटल आप ले सकते हैं। जैसे लिथियम ली हमने, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराई तो बनेगा हमारा लिथियम हाइड्राइड, LiH। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लें आप, यहाँ पर भी 2। इसके अलावा Na प्लस H2 क्या बनेगा आपका, NaH। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी कितना लगा लें, 2। ये आपका लिथियम हाइड्राइड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्राइड। और एक बात ध्यान रखना आप कि हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन है उस पर -1 चार्ज होता है, तो ध्यान रखना। प्रोटॉन की बात करें तो H प्लस होगा, अगर आप हाइड्राइड की बात करते हैं तो हाइड्राइड का मतलब H माइनस से होता है, ठीक है। ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी मेटल की। अब बात करेंगे यहाँ पर लास्ट टॉपिक आज का, कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज में दो टाइप की मेटल पढ़ी थी, एक मेटल वो जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा थी, एक मेटल वो जिनकी रिएक्टिविटी क्या थी, कम। तो किस मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, किस मेटल की रिएक्टिविटी कम होगी, उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक है आज का ये। तो देखें, मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो डिसाइड होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी पर। जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जिसकी कम होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। तो हम यहाँ पर दो बातें कह सकते हैं कि जो मेटल आपकी मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हों उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी ज़्यादा होगी, है ना। लेकिन जो मेटल लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखते हैं उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल को इसी के बेस पर ही अरेंज किया गया है कि कौन मेटल कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट जल्दी किया तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, और उसकी लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी। अगर हम उसकी रिएक्टिविटी की बात करें तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम, ठीक है। तो ये मेटल की सारी चीज़ें आपने डिस्कस कर ली हैं कि मेटल की
डेफिनेशन क्या है, तो दो डेफिनेशन हमने यहाँ पे सीखी हैं। एक प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ी थी कि उन एलिमेंट्स को मेटल कहा जाता है जिनके पास मैलिएबल ड्यूक्टाइल सोनोरस प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो उन एलिमेंट्स को भी मेटल बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, दूसरी बात हमने यहाँ पर एक नई सीखी है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो जो आज की क्लास थी उसमें मेटल डिस्कस कर लिया है, जो इससे नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नॉन मेटल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इसका सेकंड टॉपिक होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।